तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सी कॉलर अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बन में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। साथ में जितने अभ्यर्थी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एसएससी जीडी में एक सीट अपनी पक्की करना चाहते हैं तो बेस्ट बुक आपके लिए आ चुकी हैं चक्षु प्रकाशन की, जिनको आप लोग परचेज कर सकते हैं। इन बुक्स की खास बात यह है कि इनको आपके पैटर्न साथ में सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो भी रखे गए हैं, जिससे कि आपको परीक्षा में बहुत हेल्प भी मिलेगी। इतना ही नहीं, इस पुस्तक की खास बात यह है कि इसमें क्वेश्चन के साथ साथ आपको मिलता है उन सभी क्वेश्चन का डिटेल में आंसर, साथ में व्याख्या, जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी। इन बुक्स को आप सभी ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट से परचेज कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इन पुस्तक को आप सभी Amazon या Flipkart से भी परचेज कर सकते हैं। बेस्ट बात यह है कि इन पुस्तक के साथ आपको मिलता है प्रैक्टिस सेट भी, जिनको भी आप सभी ऑनलाइन से परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जाइए अभी परचेज करिए और एसएससी जीडी में अपनी एक सीट पक्की करिए बेस्ट बुक्स के साथ। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर काफी लंबे समय से स्कूल और कॉलेज को बंद करके रखा गया है। रीज़न आप सभी जानते हैं कि पहले कोरोना की फर्स्ट वेव आई, उसके बाद में सेकंड वेव आई, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल और विद्यालयों के लिए अभी तक कोई फैसले नहीं लिए गए थे। हालांकि सब कुछ पहले की तरह चलना शुरू हो गया है। कोरोना की थर्ड वेव के बारे में भी जानकारी आनी शुरू हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखें स्कूल और कॉलेज को लेकर, अब इसको खोलने की तैयारियाँ देखने के लिए मिली हैं। सीएम की तरफ से आदेश भी दिया गया है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि स्कूल और कॉलेज को खोलने की तैयारी करें योगी जी। तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिलती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रहा है स्कूल और कॉलेज के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी रोज मुझसे पूछते भी हैं। और ऐसे में जो ऑफलाइन कोचिंग बंद की गई थी उसको भी खोलने की तैयारियाँ यहाँ पे की जा सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा कि तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर सभी प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोविड की तीसरी लहर को आशंका को देखते हुए जो भी आवश्यकता होगी उसके अनुसार जो कार्य वो किए जाएंगे। फिलहाल ये तो आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि स्कूल और कॉलेज को खोलने के बारे में जानकारी दी गई है, जिससे कि आगामी समय के अंदर जो पठन पाठन का कार्य है उसको शुरू करवाया जाए। और काफ़ी नुकसान भी हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बिना पढ़े छात्र इस बार 99% तक लेकर के आ रहे हैं बिना परीक्षा दिए। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा, खासकर यूपी बोर्ड के अंदर। ये वही बोर्ड है जिसमें 2003-2004 के समय पर 33% ला पाना असंभव था। फिलहाल जो भी चीज़ें आप सभी के सामने बता दी गई हैं, जल्द इसको लेकर खोलने का आदेश देखने के लिए मिल सकता है और इसकी तैयारी आपको 1-2 हफ्ते के अंदर ही मिल जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि कल की तारीख में चयन बोर्ड की तरफ से एक परीक्षा का आयोजन करवाया गया, जिसके अंदर लगभग अगर बात करें 70% से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया है। रीज़न आप सभी जानते हैं कि TGT बायोलॉजी की जो परीक्षा के आवेदन लिए गए थे 2016 में थे, अब 5 साल के बाद आप भर्ती करवाएंगे या परीक्षा करवाएंगे तो बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं दूसरी जगह सेट हो गए होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ से शिफ्ट होने की बजाय चयन बोर्ड की तरफ से निरस्त कर दिए गए हों, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के तो एडमिट कार्ड भी जारी नहीं हुए थे। और भी तमाम समस्याओं के बीच में फिलहाल देखा जाए तो 70% से ज़्यादा अभ्यर्थी के आसपास यहाँ पे अनुपस्थित रहे हैं, अलग अलग जिलों का डाटा के अनुसार देखें तो। लेकिन जैसा कि आप सभी को देर शाम को आकर मैंने जानकारी दी थी कि TGT परीक्षा के अंदर सोल्वर गैंग पकड़े गए हैं, भंडाफोड़ हुआ है, 3 अभ्यर्थी यहाँ पकड़े गए हैं, मतलब 1 अभ्यर्थी की जगह पर दूसरा अभ्यर्थी दे रहा था, उसके साथ 3 सोल्वर देखने के लिए मिले हैं। TGT जीव विज्ञान में नकल कराने वाले गिरोह का सरगना सोल्वर सहित 3 आरोपियों को STF ने पकड़ लिया है, ऐसी जानकारी आपको देखने के लिए मिल रही है, जिसके बारे में कल ही मैंने आपको बता दिया था। लेकिन जो पकड़े गए वो अच्छी बात है, इसके अलावा और कौन कौन शामिल थे, किस अभ्यर्थी के द्वारा नकल करवाई गई, इसके बारे में भी जानकारी लेना अनिवार्य है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि लगभग 15 लाख रुपए में पास कराने का ठेका लेते थे सोल्वर गैंग, ऐसे ही कुछ सोशल मीडिया पे अभ्यर्थी की तरफ से बताया जा रहा था कि सर 10 से 15 लाख रुपए का सौदा चल रहा है, और कुछ ऐसा ही आपको समाचार पत्रों में देखने के लिए मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा 2 अभ्यर्थियों से 12 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको परीक्षा केंद्र के अंदर ही नहीं जाना चाहिए, परीक्षा में पकड़ने का कोई औचित्य नहीं बनता है।
गेट के पास ही जो अभ्यर्थी एडमिट कार्ड लेकर जाते हैं वहां पे एक परीक्षक को खड़ा कर दिया जाए। एडमिट कार्ड के अनुसार फोटो को मिलाते हुए, आधार कार्ड को मिलाते हुए अगर आपने SSC बैंक रेलवे की परीक्षा दी होगी तो वहां पे क्या होता है कि आप गेट में अंदर तभी जाएंगे जब आपके एडमिट कार्ड के ऊपर, आधार कार्ड के ऊपर सेम आपकी फोटो होगी और आप वहां सामने खड़े होंगे। अब ये पहले से अंदर बुला लेते हैं, परीक्षा के अंदर बैठ जाते हैं, उसके बाद में STF पकड़ भी लेती है, तो इस बात को भी हम कुछ अच्छा नहीं कहा जा सकता क्योंकि अंदर जाने का तो सवाल ही नहीं बनता जहां परीक्षा करवाई जा रही है। 2 मिनट का कार्य अगर बाहर एक बंदे को खड़ा कर दिया जाए तो ये सब कुछ करवाया जा सकता है। कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि ज़्यादातर बड़ी परीक्षाओं के अंदर ऐसा होता है लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जाके ऐसा देखने के लिए मिला है। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें, 60% अभ्यर्थी ने परीक्षा को छोड़ दिया है, ये जानकारी आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बात की जाती है कि जीव विज्ञान 2016 की परीक्षा को लेकर शनिवार को जो करवाई गई है उसके अंदर लगभग 33% अभ्यर्थी शामिल हुए हैं और 67% अभ्यर्थी यहाँ से बाहर हो गए हैं या फिर उनकी वजह से उन्होंने परीक्षा ही नहीं दी है, जो भी कारण हो। लेकिन ऐसे में एक बात तो यहाँ से तय है कि TGT बायोलॉजी की जो कट ऑफ है वो पहले के मुताबिक अब थोड़ी सी कम जाएगी क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम देखें 70,000 अभ्यर्थियों में से 35,000 से 40,000 अभ्यर्थी इसके अंदर शामिल हुए हैं, तो जो कट ऑफ 70,000 पे जाने वाली थी वो आप सभी के बीच में यहाँ पे लगभग 30-35,000 अभ्यर्थी पे घूमती हुई दिखाई देगी, जिससे कि कट ऑफ में काफ़ी गिरावट भी होगी। तो ये तो बात होगी TGT 2016 के बारे में, लेकिन TGT PGT 2021 के अंदर चयन बोर्ड की तरफ से बदलाव किया जा रहा है परीक्षा में। जैसा कि आप सभी को मैंने कल देर शाम को आकर बताया था कि चयन बोर्ड के अध्यक्ष की तरफ से जानकारी दी जाती है कि जिस प्रकार TGT 2016 में सॉल्वर बैठे हैं वहाँ पर नकल देखने के लिए मिली है, इस बात को रोकने के लिए उनकी तरफ से यहाँ पर सुझाव दिया गया है, हम कह सकते हैं कार्य किया जा रहा है जो कि TGT PGT 2021 की परीक्षा में लागू किया जाएगा उस बदलाव को। अब इस बदलाव को लेकर बहुत सारे छात्र खुश भी हैं, बहुत सारे छात्र परेशान भी हैं कि कहीं ऐसा हुआ कि बायोमेट्रिक में गड़बड़ हो गई तो कहीं मेहनत करने वाले अभ्यर्थी को बाहर ना कर दिया जाए। वैसे आमतौर पर होता नहीं है, लेकिन इस बदलाव से बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले अभ्यर्थी को बेनिफिट अवश्य मिल सकता है। जिस प्रकार सॉल्वर गैंग यहाँ पे आकर के बैठ जाते हैं कम से कम उनसे निजात मिलेगा। तो TGT PGT 2021 के अंदर सबसे बड़ा बदलाव करने की तैयारी चयन बोर्ड की तरफ से है। फैसला क्यों लिया गया आप सभी जानते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न TGT 2016 के अंदर जो सॉल्वर बैठे थे उसको देखते हुए। TGT अगर बात करें, मुन्ना भाई हो जाएं सावधान, अध्यक्ष महोदय से जानकारी मिली थी जैसा कि मैंने कल देर शाम को आकर बताया था कि उन्होंने ये मांग स्वीकार कर ली है कि परीक्षा के दौरान अंगूठे का निशान OMR सीट पर लिया जाएगा तथा परिणाम जारी होने के बाद में और सत्यापन के समय उसी अंगूठे का निशान का बायोमेट्रिक से मिलान किया जाएगा। एक बायोमेट्रिक का मिलान सत्यापन के दौरान किया जाएगा तथा दूसरा मिलान जिला विद्यालय निरीक्षक संबंधित विद्यालय पर कराया जाएगा जहां उसका चयन हुआ है। इसलिए मुन्ना भाइयों से यहां पे आप सभी को बचना पड़ेगा क्योंकि अगर आप सभी परीक्षा किसी दूसरे से दिलवा देते हैं और वो वहाँ पर अपना अंगूठे का निशान लगाकर आ जाते हैं, बाद में आगामी समय के अंदर जब आप सभी का सत्यापन करवाया जाता है, जब विद्यालय आवंटन होता है, उन दो जगह पर बायोमेट्रिक से मिलान किया जाएगा। अगर एक जगह पर भिन्नता पाई जाती है तो यहाँ से सीधे तौर पर बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे में बहुत सारे छात्रों का कहना था कि सर जो पेपर लीक हो जाते हैं या फिर जो बाहर से पेपर लीक होते हैं उसके बारे में क्या है, अब उसको लेकर तो चयन बोर्ड को सोचना पड़ेगा क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं जहाँ से परीक्षा को लेकर धांधली देखने के लिए, क्योंकि एक एक करके यहाँ पे हर एक मुद्दे को लेकर विचार करना चाहिए। फिलहाल TGT PGT को लेकर चयन बोर्ड की तरफ से विचार किया गया है जिससे कि किसी दूसरे की अभ्यर्थी की जगह पर कोई दूसरा अभ्यर्थी आकर परीक्षा ना दे पाए, इससे बचने के लिए, इसके बचाव के लिए चयन बोर्ड की तरफ से फैसला लिया गया है कि वो TGT PGT 2021 की परीक्षा के अंदर ये बदलाव करेंगे। अब इस बदलाव के बारे में आप सभी की क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि इससे एक बेनिफिट मिलेगा कि दूसरा कोई अभ्यर्थी किसी अभ्यर्थी की जगह पर नहीं बैठेगा। बाकी जो बहुत सारे अभ्यर्थी ने मुझसे सवाल किए थे कि सर परीक्षा लीक होती है, पेपर लीक होती है और व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर आ जाता है, इसको लेकर चयन बोर्ड क्या करेगा, तो इसके बारे में जवाब तो चयन बोर्ड के पास भी नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर मिली भगत तो अधिकारियों की भी होती है। लेकिन परीक्षा के अंदर नकल को रोकने के लिए चयन बोर्ड की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब ये किस तरीके से लागू होगा, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, ये तो होने वाली परीक्षा 7-8 को ही आपको फैसला देखने के लिए मिलेगा। तो वही दूसरी तरफ बात करें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार छात्रों के माध्यम से धरना प्रदर्शन ट्विटर वार किए जा रहे हैं,
सरकार कहीं ना कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर से मौन हो गई है। अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर लगातार जोश भरते हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी धरना प्रदर्शन के माध्यम से तो कभी ज्ञापन के माध्यम से। उसी क्रम में आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों की बैठक है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अगर बात की जाए तो छात्रों की तरफ से विज्ञापन जारी करवाने के लिए एक और जहां लखनऊ में अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, तो वहीं प्रयागराज के अंदर विद्यार्थियों ने बैठक की है और साथ में रणनीति तैयार की है कि BTC BEd अभ्यर्थियों का कहना है और साथ में सरकार से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। लगातार अभ्यर्थी की तरफ से धरना प्रदर्शन दिए जा रहे हैं, मांग की जा रही है कि जल्दी से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। इसी को लेकर 2 अगस्त को लखनऊ में विशाल धरना प्रदर्शन भी देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर बहुत सारे अभ्यर्थी शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी को लेकर छात्र संगठनों के माध्यम से लगातार बैठक जारी है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवाया जाए, जिसको लेकर जानकारी आप सभी को ऑनलाइन रेडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से लगातार दी गई है। ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जुड़े 2 अगस्त को। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें OBC आरक्षण को लेकर सबसे बड़े बदलाव के बारे में, यहाँ पे जो मांग है वो की गई है कि राज्यों को मिले अधिकार, 58 की तरफ से मांग की गई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक राज्य मंत्री अगर बात करें उनकी तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य को अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की जातियों में शामिल करने का अधिकार देने जा रही है। इसके लिए सरकार जल्द ही एक संशोधन बिल लाएगी। अठावले ने बताया कि मराठा आरक्षण को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 102वें संविधान संशोधन के बाद राज्यों को सामाजिक व आर्थिक आधार पर पिछड़ी जातियों को अलग से कोई सूची बनाने का अधिकार नहीं है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार अब संसद में संशोधन बिल लाएगी और इसके बाद में राज्यों को OBC के जातियों को शामिल करने का अधिकार मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति व अन्य योजनाओं में घपला करने वाले जेल जाएंगे, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और भी तमाम जानकारी देखने के लिए मिलती है। मतलब आसान भाषा में समझें तो राज्यों को मिलेगा OBC आरक्षण में बदलाव करने का, मतलब अधिकार मिल जाएगा, वो पूरे तरीके से बदलाव कर सकते हैं, जिससे कि जो मराठा आरक्षण यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया था, फिर उसको भी यहाँ पे लागू करवाया जा सकता है, ऐसा फैसला लिया गया है। बाकी इसके बारे में आप सभी का क्या कहना है कमेंट करके अवश्य बताएं। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें, उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसको हम कह सकते हैं कि सरकारी विज्ञापन जारी हो गया है। आप सभी को मैंने कई बार बताया कि 58 से लगभग 60,000 पदों पर जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी पंचायती राज विभाग के अंदर, जहां पे पंचायत सहायक कम अकाउंटेंट डाटा एंट्री की तैनाती की जाएगी, जिसके लिए लगभग 58,189 पद आप सभी के बीच हैं। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के अंक के आधार पर आपका जो चयन है वो किया जाएगा। कोविड के मृतकों के परिवार से चयन को यहाँ पर वरीयता देखने के लिए मिलेगी। महिला आरक्षण का 1/3 से अधिक पदों पर महिलाओं को चयनित का अवसर देखने के लिए मिलेगा, जिसका कार्यक्रम समय सारणी आप सभी के सामने जारी कर दी गई है। मैंने कई बार कई वीडियोज़ के माध्यम से इसके बारे में आप सभी को बता भी दिया है, पुराने वीडियोज़ को देख कर सारी जानकारी आप सभी ले सकते हैं। तो वीडियो को कर दें लाइक, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।